Hello guys. Recently, there have been protests across many states in India against the recently introduced provision of hit and run in the Bharatiya Nyaya Sanhita. So today, I am going to explain what is the entire controversy and why there have been protests. So first of all let us understand what is bharatiya nyaya sahita so you must be knowing about criminal law right there have been many sections under indian penal code which define different types of offenses for example murder theft cheating culpable homicide all these offenses have been defined under one law which is indian penal code so the indian penal code was recently replaced by bharatiya nyaya sahita Indian Penal Code was introduced in 1860 by the British government. Now it has been replaced because many of the sections became obsolete, and hence there was a requirement of new provisions suiting to the new environment, social and cultural. So the IPC was replaced by Bharatiya Nyaya Sahita in the coming in the foregoing winter session. And the Bharatiya Nyaya Sahita, among other things, ज इंट्रोड्यूस्ड अ सेक्शन विच क्रिमिनलाइजेस हिट एंड रन केसेस ऑल्डो इट इज नॉट सो की हिट एंड रन केसेस पहले आईपीसी में क्रिमिनलाइज नहीं थे बट आईपीसी में हिट एंड रन केसेस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे देखते हैं क्या प्रोविजन है ये ट्रक ड्राइवर्स जो है

कैपिटल ए शायद की प्रिपरेशन के टाइम आप और ज्यादा पढ़ेंगे लीगल रीजनिंग एंड दिस इज वेरी पर्टिनेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर लीगल रीजनिंग कि थ्री जीरो फोर ए जो था इट वॉज रिलेटेड विद कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी एनी वन

और विद फाइन और विद फाइन और विद बोथ या तो दो साल का पनिशमेंट होगा या फाइन होगा या दोनों होगा तो दिस क्रिमिनल एक्ट जो है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी फॉर एग्जांपल मेडिकल मेडिकलेंस डॉक्टर्स हैं उनके नेग्लिजेंस है, बहुत ज्यादा रैश एक्ट है नेग्लिजेंट एक्ट है उससे अगर कुछ हो रहा है तो वो इंक्लूडेड था uh, कोई फूड में फूड uh, प्रोडक्ट में अडल्ट्री है या फूड प्रोडक्ट इतना पॉइजनस है किसी ने खिला दिया तो वो चीजें भी इसमें आती थी एंड

हिट एंड रन केसेस को इंक्लूड किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि हु एवर कॉज डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग तो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए स्पेसिफिक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम हिट एंड रन भी बोलते हैं जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज बहुत सारे पॉपुलर लोग इंक्लूडेड थे चार्ज थे अक्यूज थे ठीक है तो इसमें अब प्रोविजन क्या है जो भी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से डेथ कॉज करेगा वो अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट को एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्म किए बगैर उस क्राइम सीन से उस एक्सीडेंट के सीन से चला जाता है भाग जाता है सो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड विद टेन इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट यहां देखेंगे शैल बी पनिश विद एन इंप्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू टेन ईयर्स मतलब मैक्सिमम टेन ईयर्स एंड फाइन फाइंड भी एंड है यहां पर देखिए यही डिफरेंस है एंड फाइन यहां पर क्या था और विद फाइन और विद बोथ सो टू ईयर्स सो द थिंग इज आईपीसी जो है वो रैशन नेग्लिजेंट एक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं देता है बट द पनिशमेंट इज टू ईयर्स एंड ऑर फाइन या तो टू ईयर्स का इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम मैक्सिमम एंड और फाइन और भारतीय न्याय संहिता बी एन एस क्या करता है बी एन एस मैक्सिमम टेन ईयर्स ऑफ पनिशमेंट मैक्सिमम टेन ईयर्स पनिशमेंट एंड फाइन एंड फाइन और इस फाइन को जो है उसका क्वांटम जो सेट किया गया है वो है सेवन लाख रुपीस अप टू अपन लाख रुपीस इसका क्वांटम सेट किया गया है सो द बस ड्राइवर्स कैब ड्राइवर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस व्हाई आर दे प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे हैव टू रीजंस फर्स्टली उनका ये कहना है कि दिस पनिशमेंट इज वेरी सीवियर, ठीक है ये पनिशमेंट जो है क्राइम के अकॉर्डिंग uh, बहुत ज्यादा सीवियर है बहुत ज्यादा हार्श है तो ये पनिशमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनरली उनका ये मानना है कि ड्राइवर्स को ही अक्यूज किया जाता है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के लिए चाहे फिर कोई भी और प्रॉब्लम क्यों ना हो कोई और किसी और का उसमें कोई रोल क्यों ना हो ओनली ड्राइवर्स आर अक्यूज फॉर एक्सीडेंट्स जो कि रोड पे होते हैं हाईवे पे होते हैं फर्स्टली सेकेंडली उनका ये मानना है कि अगर हम चलो गलती से एक्सीडेंट कॉज कर भी दिया सो इफ वी वेट देयर टू इंफॉर्म पुलिस और मजिस्ट्रेट तो पब्लिक आसपास की हमें पीटना शुरू कर देगी एंड दे माइट किल द ड्राइवर और ऐसा जनरली होता भी है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो ड्राइवर को ही सबसे पहले पकड़ के लोग पीटना शुरू करते हैं राधर देन सेविंग द विक्टिम जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको बचाने से पहले लोग ड्राइवर को पकड़ के पीटना शुरू कर देते हैं तो उनका प्रोटेस्ट का रीजन ये है कि हम इन्फॉर्म कैसे करेंगे ठीक है एक तो एक और दूसरा पनिशमेंट बहुत सीवियर है और उसके बेसिस पे ये जो पनिशमेंट सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट है उसका उन्होंने एक एविडेंस क्या दिया है उसका एक सपोर्टिंग एविडेंस दिया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि इस बीएनएस को रिव्यू कर रही थी द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन नवंबर नवंबर 2023 उन्होंने रेकमेंड किया था कि ये सेक्शन पहले 104 में आना था उन्होंने रेकमेंड किया था दैट दिस पनिशमेंट इज वेरी सीवियर दिस टेन ईयर ऑफ पनिशमेंट इज वेरी सीवियर दिस शुड बी रिड्यूस टू फाइव इस ऑफ पनिशमेंट तो दस साल नहीं होना चाहिए पांच साल होना चाहिए बट नए बी में इस कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद जो बी एक्चुअली पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा से दिसंबर एंड में उसमें पनिशमेंट आज भी टेन इयर्स की ही है एंड बिकॉज ऑफ दिस पनिशमेंट ड्राइवर्स आर प्रोटेस्टिंग बहुत सी जगह जाम लगा हुआ है बहुत सारे स्टेट्स में ड्राइवर्स ने जाने से ट्रांसपोर्टेशन से कम्यूटेशन से मना कर दिया है एंड दिस इज प्रिसाइजली द रीजन आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों इतना प्रोटेस्ट चल रहा है ये चीज आपको लीगल में कैसे इंपॉर्टेंट है और जीके में कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं लीगल में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं व्हाट इज हिट एंड रन व्हाट कैन बी दी पनिशमेंट ठीक है व्हाट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस वट इज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग दोनों में डिफरेंस क्या है और जीके में क्वेश्चंस बन सकते हैं ये कब बिल पास हुआ इस बिल में बिल क्या होता है एक्ट क्या होता है और इस बिल में क्या क्या प्रोविजन अलग अलग आए हैं प्लस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो थी उसके मेंबर्स कौन कौन थे तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे आई गिव यू हिंट द पर्सन इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बीजेपी इट तो आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है Thank you very much guys.